और मैं गुजारिश करूंगा आज हमारे हमारे बीच बीच में एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनकी उंगली को पकड़कर हम लोगों ने चलने की शुरुआत की थी जिनको देखकर विश्वास बनता था कि जिंदगी में कुछ बड़ा कर सकते हैं ऐसी शख्सियत आज हमारे बीच में है और हम और आप बहुत सौभाग्यशाली हैं कि उनकी, उनकी संगत में हम लोगों को रहने का मौका मिला उनके विजन की वजह से बिहार के भीतर इतना बड़ा बिजनेस बन पाया इतना बड़ा काम हो पाया हम और आज आप लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि जहां लोग सिर्फ उनको ऑडियो और वीडियो में देखते और सुनते हैं आज वो साक्षात हमारे बीच में हैं क्या आप उनसे मिलना चाहेंगे क्या आप उन्हें सुनना चाहेंगे तो आइए दोस्तों जोश और जुनून के साथ सीटियों के साथ तालियों के साथ हम बुलाते हैं द ग्रेट आइडियल सत्य प्रसाद Can I be your superhero? शुक्रिया आपके इस सम्मान का मैं अपना पर्चे दे दूं मेरा नाम सत्येंद्र प्रसाद है और पास के ही शहर मोकामा के पास औटा ग्राम का रहने वाला हूं और आज मैं आपको वो बातें बताने आया हूं जो कहते हैं ना आपके साथ जिस इस बिजनेस में जो आप ज्वाइन किए हैं आगे जो आज ज्वाइन किए हैं जो आगे भी बढ़ चुके हैं उनके लिए भी आपके जीवन में क्या क्या होने वाला है अगर ये पहले ही पता चल जाए तो हम मानसिक तौर से तैयार हो जाते हैं कि नहीं हो जाते हैं हमको झटका कब लगता है जब एकदम अचानक से कोई काम हो जाए और हमको एकदम झटका लगता है कि ये क्या हो गया ऐसा तो सोचा नहीं था लेकिन अगर पहले ही पता चल जाए कि हमारे साथ इस बिजनेस में क्या क्या होने वाला है तो फिर झटका लगने वाली बात होगी क्या हम मानसिक तौर से तैयार होंगे तो देखिए जिस बिजनेस में आप लोग हैं ये बिजनेस जो है ना संभावनाओं पर आधारित है बिजनेस संभावनाओं पर आधारित है अगर आप किसी को सेमिनार में आने के लिए इन्वाइट करेंगे अगर आपने दस लोगों को इन्वाइट किया तो हो सकता है उसमें से पांच लोग आपके सेमिनार में आ जाए पांच लोग नहीं आए हो सकता है दस के दसों इस सेमिनार में आ जाए हो सकता है उसमें से एक भी नहीं आए अगर दस लोगों ने सेमिनार में आ गए हो सकता, हो सकता है पांच लोग साइन अप करें पांच लोग नहीं करें हो सकता है पांच के पांचों साइन अप कर ले दस के दसों साइन अप कर ले हो सकता है उसमें से एक भी साइन अप नहीं करे अगर दस लोगों ने साइनअप कर दिया है तो हो सकता है उसमें से पांच लोग ज्वाइन कर ले पांच लोग नहीं करें हो सकता है दस के दसों ज्वाइन कर ले और हो सकता है उसमें से एक भी ज्वाइन नहीं करे लेकिन अगर दस लोगों ने आपके इस बिजनेस को ज्वाइन कर लिया है तो उसमें भी हो सकता है पांच लोग काम करें, पांच लोग नहीं काम करें। हो सकता है दस के दसों काम कर ले, लेकिन हो सकता है उसमें से एक भी काम नहीं करे लेकिन फिर भी एवरेज काम करता है पैरेटो का नियम कहता है 80-20 का कि दुनिया में कोई भी काम करते हैं तो आपको 20 परसेंट सफलता तो जरूर मिलेगी 20 परसेंट सफलता आपको जरूर मिलेगी लेकिन होता क्या है जब हमारे 10 लोग इस बिजनेस में जुड़ के और वो काम नहीं करते हैं ना तो हमको लगता है कि मेरा तो नसीब ही खराब है मुश्किल है इस बिजनेस में लोग आएंगे काम होगा क्या पता हो सकता है ग्यारहवा व्यक्ति आपका वो कंफर्म डायमंड हो सकता था लेकिन उससे पहले हमने दम तोड़ दिया ठीक उसी तरीके से आप सभी लोग सेफ सोप नामक जिस ट्रेन में बैठे हुए हैं ना यह ट्रेन गरीबपुर से अमीरपुर तक जाती है और आप लोग उस ट्रेन में बैठे हैं टिकट लिया है कुछ लोगों ने एसी टू का टिकट लिया है उनको रिजर्वेशन मिल गया है कुछ को नहीं मिला है तो वो वहीं पर छोड़ दिया इसको कि हम एसी सी टू से नीचे नहीं जाते लेकिन कुछ लोग हिम्मत करके एसी थ्री में चले गए हम ए सी थ्री में जाएंगे और कुछ लोग को जब एसी सी थ्री में नहीं मिला सीट तो उन्होंने बोला हम अब नहीं जाएंगे क्योंकि हम स्लीपर में नहीं जा सकते लेकिन कुछ लोगों ने हिम्मत करके स्लीपर का टिकट ले लिया और कुछ लोगों ने स्लीपर का टिकट जब नहीं मिला तो उन्होंने बोला क्या फर्क पड़ता है कुछ तो छोड़ दिया वहीं पे लेकिन कुछ लोगों ने जनरल क्लास में बैठकर जाने का फैसला किया लेकिन कुछ लोगों को जब जनरल क्लास में भी सीट नहीं मिली खड़े होने की भी जगह नहीं मिली ना और ये जिद्दी किस्म के लोग थे चाहे बोला कुछ भी हो जाए पायदान को पकड़कर लटक के जाऊंगा लेकिन अमीरपुर जरूर जाऊंगा और पायदान को पकड़कर लटकने में गर्मी का भी मौसम हो सकता है ठंडी का भी मौसम हो सकता है बरसात का भी मौसम हो सकता है लेकिन एक बात तय है कि जो उस पायदान को मजबूती से पकड़ लिया और छोड़ा नहीं तो वो कंफर्म अमीरपुर पहुंचेगा हमारा जो बिजनेस है ना एकदम ट्रेन की माफिक ट्रेन की तरह है ट्रेनों का स्वभाव होता है दिल्ली से बॉम्बे दिल्ली से अहमदाबाद दिल्ली से कोलकाता दिल्ली से चेन्नई दिल्ली से जम्मू तभी एक निश्चित जगह से निश्चित जगह जाने का और बीच में उनके कुछ स्टेशन आते हैं जहां पर वो गाड़ी रुकती है और ट्रेनों का स्वभाव है जब गाड़ी रुकती है ना, तो उसी स्टेशन पर कुछ यात्री उतर जाते हैं उनका मंजिल वहीं तक का था लेकिन आपने देखा होगा उसी स्टेशन से कुछ लोग चढ़ भी जाते हैं उस ट्रेन में और यही क्रम चलता रहता है जिनका मंजिल जहां होता है वहीं पर वो उतर जाते हैं ठीक हमारे साथ भी ऐसा होता है हमारे साथ भी कुछ लोग आते चले जाते हैं कुछ लोग उतर भी जाते हैं कुछ लोग नए आ भी जाते हैं और कारवा इसी तरह से चलता रहता है तो आप लोग जिस ट्रेन में बैठे हैं उस ट्रेन का जानते हैं अगला जो स्टेशन आएगा उसका नाम है विरोधपुर विरोधपुर बड़ा ही खतरनाक स्टेशन है खासकर नए लोगों के लिए कहते हैं ना नो चेंज नो चांस मोर चेंज मोर चांस आप अपने अंदर जितना बदलाव लाएंगे ना आपके जीवन में उतना बड़ा फर्क पड़ेगा जितना बदलाव लाएंगे लेकिन जब आप चेंज करेंगे ना तो लोग आपका विरोध करेंगे आप जैसे देखें उदाहरण के लिए एक 60 साल का व्यक्ति जो कल तक धोती कुर्ता पहनता था और एकदम से वो जींस पैंट में आ जाए लोग ऐसे आंख फाड़ फाड़ के देख। कुछ लोग तो मजे भी लेंगे इनको हो क्या गया थोड़ा सा तो ख्याल किया होता अपनी उम्र का लेकिन अगर वो व्यक्ति ने जींस पैंट पहनना शुरू भी कर दिया है और वो लगातार चार छह महीना साल डेढ़ साल दो साल लगातार पहनता रहे परिणाम जो लोग कल तक विरोध करते थे ना बाद में वही लोग उनको एक्सेप्ट कर लेंगे फर्क सिर्फ यही पड़ता है हम भी अगर जिस चीज के लिए चले हैं तो ये जो विरोध जो है ना हर जगह होता है जब राइट बंधु ने बोला था कि लोहा उड़ सकता है लोहा उड़ सकता है किसी को यकीन था क्या लोहा उड़ सकता है लेकिन दोनों भाई को यकीन था कि लोहा पूरी दुनिया को उड़ा के देख दिखा दिया ना ऐसे ही आप याद करके देखो ना कुछ साल पहले जब आपसे यह बोला गया था कि हर चौराहे पे इतना बड़ा डब्बा रखा होगा एक कार्ड ऐसे डालेंगे तो उसमें सौ का नोट पांच सौ का नोट हजार का नोट निकलेगा उस समय आप लोगों को यकीन हुआ था क्या लोगों ने विरोध किया था कि नहीं विरोध किया था आप याद करके देखो उस समय जो एटीएम से मशीन से जो निकाल रहा था ना पैसा कोई तो आप उचक उचक के देखने जाते थे कि निकल रहा है सचमुच में या नहीं। बोला घर में चोर बदमाश उठा के ले जाता और ये चौराहे पर डब्बा रखा रहेगा उठा के ले जाएंगे लोग, तोड़ के ले जाएंगे लेकिन आज हर व्यक्ति बोलता है एटीएम कोई उठा के ले जाता है क्या सबको पता है इसमें पैसा रखा हुआ होता है, है लेकिन क्या है जब ऐसा करेंगे तो लोग आपको विरोध करेंगे ऐसे ही जब हम इस बिजनेस में आते हैं ना तो बहुत जोश में होते हैं एकदम इतने जोश में कि संभाल नहीं संभलता है और जब हम किसी को प्लान दिखाने जाते हैं ना तो जोश में बोलते हैं प्लान दिखाते हैं, देखिए जी आपके साथ ऐसा होगा वैसा होगा ये होगा वो होगा आप दो लाख सप्ताह कमा सकते हैं आठ लाख महीना कमा सकते हैं चार लाख सप्ताह कमा सकते हैं मैक्सिमम सोलह लाख महीना कमा सकते हैं तो जानते हैं सामने वाला बोलता है भैया कहीं सुबह सुबह चढ़ा तो नहीं लिया मैं ही मिला क्या तेरे को देखिए बाल हमने धूप में नहीं पकाए दुनिया देखा है ऐसा कुछ नहीं होता अब बेचारा सोचता है ये बुजुर्ग आदमी है बाल सफेद ही इनके काफी अनुभव है सही तो नहीं कह रहे दरअसल जानते हैं क्या होता है हमारे साथ अपने सनातन धर्म में कहा जाता है कि जो है ना दान पुण्य करना बहुत जरूरी होता है दान पुण्य करना बहुत जरूरी होता है और आगे के जीवन को बेहतर बनाने के लिए हम दान पुण्य करते हैं और दानों में सबसे बड़ा दान माना जाता है गौदान को माना जाता है जो आदमी अपने जीवन के आखिरी पल के लिए करता है कि बढ़िया से शकून से इस दुनिया से हम जा सकें बेतरनी नदी बोलते हैं ना उनके पूछ पकड़कर हम आगे बढ़ सकते हैं अपना जीवन आसान कर सकते हैं आखिरी वाला भी तो मेरी बातों को अन्यत्र नहीं लेना है एक, बा, एक, एक बार की बात है एक पंडित जी जो है एक जजमान के यहाँ गए थे गौदान कराने के लिए नब्बे साल का व्यक्ति ने उनको बुलाया था गौदान के लिए पंडित जी ने गौदान कराया वहाँ जाकर पंडित जी के घर से चार किलोमीटर की दूरी पे वो उनका घर था पंडित जी को एक बछड़ा हृष्ट पुष्ट छोटा सा बछड़ा दान में मिला पंडित जी दक्षिणा उक्षिणा लेके जब चलने लगे घर घर की तरफ तो बछड़ा क्या था कि थोड़ा दूर तो चला जून का महीना था फिर वो चलने से इनकार कर दिया तो पंडित जी को लगा कि ये बछड़ा ही तो है चलो कंधे पे उठा लेते हैं उन्होंने कंधे पे उठा लिया और ये बात जो है ना चार नौजवान ने उनको देख लिया और चारों नौजवान की नीयत खराब हो गई कि, कि किसी तरह पंडित जी से बछड़ा छुड़ाना है और एक एक किलोमीटर के दूरी पर चारों खड़ा हो गया और जब पहले किलोमीटर पर जब पंडित जी पहुंचे ना तो व्यक्ति सामने निकल के आया बोला पंडित जी पांव लागी बोला बेटा जियो खुश रहो बोला पंडित जी कहां से आ रहे हैं इस दोपहरिया में तो पंडित जी ने बताया फला गांव गया था फला जी के यहां गया था गौदान कराने के लिए बोला अच्छा अच्छा वहां गए थे लेकिन बड़े ही आश्चर्य बोला कि पंडित जी एक बात समझ में नहीं आई ये गधे के बच्चे को कहां ले जा रहे हैं नोट ना लाइक दिखता नहीं क्या बछड़ा है बोला बछड़ा है और फिर वो आगे चले गए जब दूसरे किलोमीटर में पहुंचा ना, दूसरा व्यक्ति भी ऐसा ही बोला तीसरे किलोमीटर में पहुंचा ना, तीसरा व्यक्ति भी ऐसा ही बोला और चौथे किलोमीटर में पहुंचा चौथा व्यक्ति भी सामने निकल कर आया एकदम पैरों में लेट कर साष्टांग बोला पंडित जी पांव लागी बोला बेटा जियो खुश रहो उन्होंने भी पूछा पंडित जी कहां से आ रहे हैं तो पूरी बात बताया फला गांव से आ रहा हूं गौदान कराने गया था वहां पर और बड़े आश्चर्य से पूछे बोला एक बात समझ में नहीं आ रही है पंडित जी बोला क्या ये गधे के बच्चे को कहां ले जा रहे हैं आप बोले नानायक दिखता नहीं कि तेरे को भगवान ने दो बड़ी बड़ी आंखें दिया है ये बछड़ा है बोला बछड़ा है पंडित जी जब चार कदम आगे बढ़े ना पता नहीं क्या लगा पलट के जब उस बछड़े को देखे ना तो वो गधे का बच्चा नजर आने लगा उनको फिर जब पलट के देखा तो उनको खुद ही गधे का बच्चा नजर आने लगा और एकदम से बछड़े को पटक के राम राम मेरा धर्म भ्रष्ट हो गया मैं आप लोगों से यह जानना चाहता हूं क्या वो गधे का बच्चा था क्या पंडित जी ने अपने हाथों से दान कराया था और वो बछड़ा था ठीक इसी तरीके से जब हम इस बिजनेस में ज्वाइन करते हैं ना और जो हमको ज्वाइन कराते हैं और हमारे घर जब वो एफ आई एम करने आते हैं ना और हमको ठोक ठोक के बोलते हैं कि आप अभी इस प्लान को किसी को बताना नहीं या बताना तो मेरे साथ चलना हम उनको समझाएंगे अब वो आदमी इतना जोश में होता है ना कि वो कहे को रुकेगा और खासकर आपने देखा होगा अगर किसी ने बोल दिया कि इसको बताना नहीं किसी को तो पक्का सबको बताएगा बोला अरे हम क्या कम पढ़े लिखे हैं क्या जैसे इन्होंने बताया ऐसा तो मैं भी बता दूंगा और फिर क्या हुआ वो व्यक्ति जोश जोश में जाता है एक को बताया दो को बताया तीन को बताया चार को बताया जब आठ दस लोगों को बताता है ना वो और सारे के सारे लाइन लगा कर ये बोलते हैं तू तो फंस गया तू तो फंस गया तू तो फंस गया तू तो फंस गया तू उसको भी शक होने लगता है कहीं मैं फंस तो नहीं गया और अब क्या होता है उसके साथ अब अपलाइन उसको फोन लगा रहा है उठा नहीं रहा घर में मिलने गया तो बच्चे से कहलवा देता पापा जी घर पे नहीं है सामने दिख गया तो रास्ता कट मार लेता अपलाइन बड़े परेशान बोला यार कल तक तो कहता था मैं तूफान खड़ा कर दूंगा जलजला ला दूंगा न्यू डायमंड बन के दिखा दूंगा हो क्या गया और बेचारा एकदम कोमा में चला जाता है अगर वो दस लोग मिलकर एक साथ बोलता ना कि तू फंस गया तू फंस गया तो वो कभी यकीन नहीं करता लेकिन दस अलग अलग जगह पर अलग अलग लोगों ने बोला कि तू फंस गया तो उसको यकीन होने लगा पंडित जी का भी यही हाल है अगर चारों वो इकट्ठा होकर बोलता ना कि ये गधे का बच्चा है तो पंडित जी कभी भी यकीन नहीं करते लेकिन चारों अलग अलग में बोला ना तो उसको भी शक होने लगा कहीं फंस तो नहीं गया अभी भी बहुत सारे लोग इस हॉल में जानते कैसे आए होंगे अच्छा बेटा हमको फंसाने ले जा रहा है देख कुछ भी कर ले मैं फंसने वाला नहीं हूं मैं आप सभी लोगों से पूछना चाहता हूं एक सवाल इस हॉल में एक आदमी भी मुझे ये बता दे कि मैं फंसा हुआ नहीं हूं फर्क सिर्फ इतना है कोई बीस हजार में फंसा हुआ है कोई चालीस हजार में फंसा हुआ है कोई साठ हजार में फंसा हुआ है कोई एक लाख में फंसा हुआ है कोई सवा लाख में फंसा हुआ है कोई डेढ़ लाख में फंसा हुआ है अगर फंसना ही है तो सोलह लाख में फंस के और बेचारे भाई साहब कुछ लोग इस विरोधपुर में ही उतर जाते हैं अलविदा सेफ सो टाटा बाय बाय हम डायमंड कभी नहीं बनेंगे क्या आप लोग उतरेंगे विरोधपुर में उतरेंगे बधाई हो अगर उतरेंगे नहीं तो आपकी ट्रेन आगे जा रही है और आपकी ट्रेन का जो अगला स्टेशन है ना उसका नाम है सलाहपुर जब आप लोगों को प्लान दिखाने जब कोई नौजवान जाता है ना और बड़े जोश में जब प्लान दिखाता है ना तो जानते हैं लोग क्या बोलते हैं बेटा इस जवानी को काहे को बर्बाद कर रहा है देख पढ़ाई लिखाई कर पढ़ाई लिखाई कर नौकरी की तैयारी कर अधिकारी व अधिकारी बन जा भाई कोई कैरियर बना उधर और अगर कोई जो है ना कोई अगर नौकरी पैसा वाले लोग जब जाते हैं ना नौकरी पैसा वाले लोग जब जाते हैं प्लान दिखाने अधिकारी जैसे रैंक के लोग तो जानते हैं क्या बोलते हैं भाई साहब आपसे यह उम्मीद नहीं थी कि आप ऐसा काम करेंगे अगर आपको काम ही करना था ना अरे मेरे को बता दिया होता आपके मतलब के लायक दो चार काम तो हम आपको बता देते लेकिन आप आपसे ये उम्मीद नहीं थी ऐसे लोग बोलते हैं। हमें भी बोला था हमें भी बोला गया था ऐसा हमने भी अपने बचपन के लंगुटिया यार को जो अधिकारी थे जब बताया था ना ये प्लान तो बोला था जानते हैं क्या सत्येंद्र तेरे को अपनी परवाह नहीं है ना तो कम से कम मेरा तो कया होता मैं अगर अपने किसी दोस्तों से मिलवाऊं तेरे को तो क्या बोलकर मिलवाऊं सोच के देखो ऐसे ही ढेर सारे आपको सलाहगीर मिल जाएंगे और ऐसे से सलाहगीर मिलेंगे जो कंप्यूटर के कीबोर्ड पे हाथ भी नहीं रखा हो कंप्यूटर के बारे में सलाह मांग लो क्रिकेट मैच की दुनिया में कभी बल्ला भी नहीं पकड़ा हो और वो अगर मैच देख रहा हो क्रिकेट का तो सलाह देता है विराट कोहली जी को बताओ ये छक्के की बॉल थी ये खेलना नहीं आता इसको जबकि खानदान में कोई पकड़ा नहीं बैठ किसी भी मामले में सलाह ले लो अगर आप बढ़िया से अपना पैसा लगाया है मेहनत से कमाया है और अपने दिमाग से कोई बढ़िया घर बनवा रहे हैं और अगर आपका वो सलाहगीर मित्र आ गया और बोलेगा हा वर्मा जी घर बनवा रहे हो बहुत खुशी की बात है घर बनवा रहे हो बहुत अच्छा एक बात आप गलत कर दिए ये जो कमरे का खिड़की है ना इधर के बजाय अगर इधर होता ना तो मजा आ जा जाता पैसा मेरा लगा है दिमाग मैं लगा रहा हूं लेकिन ये फोकटिया सलाहगीर को मजा नहीं ये फोकटिया सलाहगीर कहलाते हैं फोकटिया सलाहगीर अगर बढ़िया सलाह लेना है ना तो मार्केट में कंसल्टेंट बैठे हैं सलाह देने के फीस लेते हैं फीस लेकिन ये सलाहगीर जानते हैं खानदानी सलाहगीर होते हैं चप्पल और पजम्मे में फटफटा रहे होते हैं और आई नो ऑल कौन जानता है कुछ समय बाद ये दिखेंगे नहीं और बहुत सारे लोग बेचारे इन फोकटिया सलाहगीर के चक्कर में पड़ जाते हैं और शलाहपुर में ही उतर जाते हैं बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं कि आप उनके हस्बैंड ने प्लान देखा है खूब जोश में हैं करना भी चाहते हैं घर में रात को मैडम से जाके पूछा कि एक बहुत ही बढ़िया प्लान देख के आया हूं बहुत अच्छा लगा ये है वो है उसमें ऐसा है वैसा है कर लू क्या बताओ मैडम क्या जानती जब जो पूछ, बताएंगी कर लो सलाह प्लान देखा है मैडम या मैडम को ज्ञान है उसका क्या लेकिन सलाह ले रहे हैं वहां पे जाकर मैडम बोलते देखो उस शर्मा जी के पास तो कोई काम धंधा है नहीं तो वो लगे रहते हैं कोई आलतू फालतू काम में अरे आप तो सरकारी नौकरी है आप इन चक्करों में क्यों पढ़ रहे हो बढ़िया है जीवन बढ़िया है इधर ही लगे रहो अपना जीवन बढ़िया चल रहा है उनके चक्कर में मत पड़ो बहुत सारे लोग इन फोकटिया सलाहगीर के चक्कर में रह जाते हैं और शलाहपुर में उतर जाते हैं क्या आप लोग सलाहपुर में उतरेंगे उतरेंगे बधाई हो अगर आप उतरेंगे नहीं तो आपकी ट्रेन आगे जा रही है अगले स्टेशन के लिए लेकिन बहुत सारे लोग बेचारे इस सलाहपुर में उतर जाते हैं और सेब सोप को टाटा बाय बाय कह देते हैं कि हम कभी डायमंड नहीं बनेंगे और जब आपकी ट्रेन जब आगे बढ़ती है ना आपकी इस ट्रेन का अगला स्टेशन और उसका नाम है होशियारपुर होशियारपुर में बहुत सारे खतरनाक खतरनाक लीडर उतरते हैं कैसे लीडर होते हैं जिनकी 50 की टीम हो गई है जिनकी 100 की टीम हो गई है यानी सिल्वर बन गए हैं प्लेटिनम बन गए हैं गोल्ड बन गए हैं यहां तक कि पर लेवल को अचीव कर लिया है पैसा आ रहा है, पांच हजार है सात हजार दस हजार बारह बारह पंद्रह पंद्रह हजार रुपया का और फिर बढ़िया से एकदम जीना शुरू कर दिया जीवन फिर क्या होता है सेमिनार में आना कम हो गया कभी आ रहे हैं कभी नहीं आ रहे हैं कभी आ भी रहे हैं तो आधा सेमिनार निकल गया ना तो सेमिनार में आके देख रहे हैं कि अच्छा हमारे वो काम करने वाले आए हैं कि नहीं देख लिया हा आए हैं गेस्ट में लेके गायब ट्रेनिंग में देखा आधा ट्रेनिंग निकल गया तब आकर झांक झुक के देख लेंगे कि हमारे वो आए कि नहीं और फिर गायब अब एक बार बताएं जो व्यक्ति सीख लिया है सिल्वर बन गया प्लेटिनम बन गया गोल्ड बन गया पर्ल बन गया जो सीख लिया है लोगों को ज्वाइन कराना रजिस्ट्रेशन करना मेल करना को सेल भेजना सब कुछ करना सीख लिया है वो ज्यादा बढ़िया से काम कर सकता है कि जो आज ज्वाइन किया या दस दिन हुए ज्वाइन किए हुए पंद्रह दिन ज्वाइन किए हुए वो ज्यादा बढ़िया से काम कर सकता है जो सीख लिया है वो बढ़िया से करेगा ना लेकिन वो क्या बोलते हैं हमारी तो दोनों लाइन टकाटक चल रही है अब तो मैं लीडर बन गया हूं और लीडर काम नहीं करता है लीडर ठंडी में उसको ठंडी लगेगी रजाई में सही फोन में बात करेगा गर्मी में गर्मी लगेगी उसको और बरसात में मौसम चाय पकोड़े का हो जाता है चाय पकोड़े में घुस जाएगा तो हम कहना चाहूंगा उस होशियारपुर के लीडर से ज्यादा होशियारी अच्छी बात नहीं है और बहुत सारे लोग इसी होशियारपुर रेलवे स्टेशन पे उतर जाते हैं और सेब सोफ को टाटा बाय बाय कर देते हैं कि अब हम कभी डायमंड नहीं बनेंगे क्या आप लोग होशियारपुर में उतरेंगे उतरेंगे बधाई हो अगर आप उतरेंगे नहीं तो आपका जो आपकी जो ट्रेन है वो आगे की ओर जा रही है और आपकी जो ट्रेन का अगला स्टेशन है उसका नाम है रोमांसपुर क्या नाम है रोमांसपुर और यह रोमांसपुर भी बड़ा खतरनाक स्टेशन है रोमांसपुर में ऐसे ऐसे लीडर होते हैं जिनका तीस हजार सप्ताह चालीस हजार सप्ताह यहां तक कि पचास पचास हजार सप्ताह मिल रहे होते हैं एकदम तो के काम कर रहे होते हैं उनको काम 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 और काम ही दिखता है परिणाम क्या होता है उनके अकाउंट में दाम 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 लगातार दाम हो रहा आ रहा होता है बस इनके साथ होता क्या है जानते हैं एक दिन इनके मोबाइल पे एक मैसेज आ जाता है कि मैं आपको बहुत चाहती हूं या मैं आपको बहुत चाहता हूं और ये इलू इलू में चले जाते हैं हमारे बिजनेस में लेडीज जेंट्स दोनों काम कर रहे होते हैं आप ये मत सोचना किसी जवान के ही मोबाइल पे यह मैसेज आएगा नहीं जो रोकड़ा दबा के कमा रहा होगा ना उसके मोबाइल पे मैसेज आ सकता है क्यों दुनिया में पैसा हमेशा जवान होता है हमेशा जवान होता है हमारे आइडियल हैं आदर्श हैं माननीय श्रीमान नरसिंह ग्रेवाल साहब जिनके साथ मैंने शुरुआत के दिनों में काम किया वो मुझे हमेशा एक बात सिखाया करते थे और बोलते थे सत्यन प्रसाद जी कभी भी जब किसी मंच पर रहना तो ये दो तीन बातें जरूर लोगों से शेयर करना उन्होंने मेरे से बताया था सत्येंद्र प्रसाद जी अगर कोई नौजवान जिसकी अभी शादी नहीं हुई है ना अगर वो इस बिजनेस में आया है और सचमुच में वो डायमंड बनना चाहता है तो उसको ठोक ठोक के बोल देना कि चार साल तक शादी नहीं करे चार साल तक शादी नहीं करे क्यों कि अगर उसकी शादी तय हो गई तो शादी से पहले तीन महीना शादी में घुसेगा और शादी के बाद तीन महीना शादी में घुसेगा और कहते हैं किसी भी नेटवर्क को बर्बाद होने में मात्र छह महीने का वक्त लगता है कि लीडर अपने नेटवर्क से अलग हो जाए छह महीने में उसका नेटवर्क बर्बाद हो जाएगा और दूसरा बोला था अगर किसी नौजवान का शादी हो भी गया है ना तो उसको एक बात बढ़िया से समझा देना ठोक ठोक के कि वो चार साल तक बच्चा पैदा नहीं करे क्यों कि ये जो नया नया बाप बनने का नशा ही कुछ और होता है जब वो बाप बनता है ना वो बाप कहीं भी हो किधर से भी आए एक ही बात बोलता है अरे मेरे मुन्ना का है, मुन्ना मुन्ना की मम्मी नहीं मुन्ना में घुस जाता है और उन्होंने एक बात और बोला था टूटे फूटे मकान में रह रहे हो रह लेना हो सके तो किराए के मकान में रह लेना लेकिन डायमंड बनने के दरमियान किसी मकान को बनाने में हाथ मत लगा देना क्योंकि कितना भी कम समय का साधारण भी मकान बनाओ ना तो मकान बनाने में कम से कम छह महीने का वक्त लगता है और छ महीने ही लगते हैं किसी नेटवर्क को बर्बाद होने में बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे हम तो ठेकेदार को ठेका दे देंगे मकान बनाने का जब आपका मकान बन रहा हो ना आपका मन नहीं मानेगा कि मैं जाकर देख ना लूं एक मन करेगा देख लूं देख लूं ऐसा नहीं होगा दमदारी से चार साल पिल के इस बिजनेस में डूब के काम करके डायमंड बन जाओ और डायमंड बनने के बाद एक साथ डायमंड हाउस खरीद लेना तो हम लोग कुछ लोग इस रोमांसपुर में उतर जाते हैं और कुछ लोग बचकर निकल जाते हैं और जो बचकर निकल जाते हैं वो आगे बढ़ जाते हैं क्या आप लोग रोमांसपुर में उतरेंगे उतरेंगे बधाई हो अगर उतरेंगे नहीं तो आपकी ये जो ट्रेन आगे जा रही है लेकिन जो लोग बहुत सारे लोग इसी स्टेशन पे उतर जाते हैं और सेब को टाटा बाय बाय कर देते हैं हम कभी डायमंड नहीं बनेंगे सेब और आपकी जो आपकी ट्रेन का जो अगला स्टेशन है और वो आखिरी स्टेशन है उस स्टेशन का नाम है आलस्यपुर और आलस्यपुर में बड़े बड़े लीडर उतरते हैं जिनका चेक चालीस हजार का पचास हजार का साठ हजार का यानी दो लाख ढाई लाख तीन लाख चार लाख महीना कमा रहे होते हैं ये कहां उतरते हैं आलचपुर में ये ट्रेनिंग ब्रेनिंग में आना बंद सेमिनार वेमिनार में आना तो बिल्कुल बंद कोर ट्रेनिंग लीडर मीटिंग कोई एक्टिविटी नहीं कुछ नहीं सिर्फ फंक्शन में जाएंगे मीटिंग में जाएंगे जहां फूल माला मिल रहा हो वहां वहां जाएंगे बाकी जगह पे नहीं जाएंगे क्यों अकाउंट में दोनों लाइन टकाटक चल रहा है दोनों लाइन पैसा भर भर के आ रहा है कुछ नहीं हर जगह गाड़ी घोड़ा भी हो गया होगा लाइफ स्टाइल मेंटेन कर रहे हैं एकदम समाज में जो भी कार्यक्रम हो रहा हो किसी का जन्मदिन हो रहा हो मौजूद मिलेंगे शादी में जन्म मौजूद मिलेंगे मुंडन मुंडन ऐसा कोई भी कार्यक्रम समाज में हो रहा हो वहां पर मौजूद मिलेंगे बस फटाफट एटीएम में कार्ड डाला और निकाला पैसा हर लाइफ स्टाइल को मेंटेन कर रहे होंगे और अपने टीम की तरफ बिल्कुल नहीं देख रहे होंगे टेम की तरफ बिल्कुल नहीं देख रहे क्यों ना तो वो सेमिनार में जा रहे हैं ना ट्रेनिंग में जा रहे हैं ना किसी एक्टिविटी में नहीं जा रहे हैं सिर्फ वहां पर जा रहे हैं जहां पर फूल माला मिल रहा है उनको और वहां पर सिर्फ बता रहे हैं कि मैं हूं अब आप देखें उनका काम यही है एटीएम से पैसा निकाला और बस अपने लाइफ को जी रहा होगा इंजॉय कर रहा होगा उनको ऐसा लगता है कि अब क्या है अब तो ये परमानेंट पैसा है आता रहेगा आता रहेगा आता रहे। जानते हैं इन बेचारे भाई साहब को झटका कब लगता है जब एटीएम में कार्ड डालते हैं और जब पैसा निकालने के लिए और एटीएम बोलता है सॉरी नो बैलेंस इनको लगता है एटीएम लग, प्रॉब्लम है फिर डालते हैं कार्ड बोलता है सॉरी नो बैलेंस फिर बाहर जो एटीएम का गार्ड बैठा हुआ है ना उसे पूछते हैं भैया ये तेरा मशीन सही है क्या बोला बोले हाँ बाबू जी सही है अभी तो सर पैसा निकाल के गए हैं फिर जाता है एटीएम में निकालने कार्ड डालता है कार्ड बोलता है नो बैलेंस अब वो गार्ड पर आकर गुस्सा होता है बेवकूफ बनाता तू तेरा मशीन खराब है और दौड़े दोड़ दौड़े बैंक में जाता है पासबुक लेकर ये चेक करने के लिए कि मेरे में बैलेंस है कि नहीं और जब वहां पर जाता है ना अकाउंट चेक करता है तो वहां पर भी बताता है नो no बैलेंस एकदम शॉकिंग न्यूज है उनके लिए और एकदम जानते हैं क्या होता है क्या बोलते हैं जानते हैं ए क्या हुआ कैसे हुआ क्यों हुआ कब हुआ जब हुआ तब हुआ ओ छोरो न सोचो ए क्या हुआ अब बेचारे जानते क्या करता दौड़े दौड़े उस सारे डाउन लाइन के पास जाते हैं देखिए शर्मा जी देखिए अब तक तो जो हुआ सो हुआ लेकिन हम आपको कसम खा के कहते हैं जहां पर आपका पसीना बहेगा ना वहां पर मैं अपना खून बहाऊंगा शर्मा जी के पास वर्मा जी के पास गुप्ता जी के पास सबके पास जाता है लेकिन क्या है जिस समय उसका काम करने का मन था इस आदमी ने उसकी हेल्प नहीं किया उसका सपोर्ट नहीं किया अब उसका काम करने का मन नहीं कर रहा और कहते हैं ना किसी के दिमाग से काम करने का मन अगर निकल जाए ना फिर वो निकल ही जाता है अब वो दौड़े दौड़े अपने अपलाइन के पास जाता है सर इस सप्ताह तो मेरा एक रुपया का भी चेक नहीं है सर कैसे भी करो सर कुछ भी करो मुझे बचा लो सर अपलाइन के पास भी जाता है अपलाइन को भी लेकर लेकिन उनमें से एक भी आदमी सुनने को तैयार नहीं इनमें से कुछ लोग फिर क्या करते हैं अपना बैग उठाते हैं और फिर से नए सिरे से स्टार्ट करते हैं एक हजार का चेक डेढ़ हजार का चेक दो हजार का चेक तीन हजार का चेक और इनमें से कुछ लोग आलस्यपुर में ही उतर जाते हैं और सेव सोप को टाटा बाय बाय कर देते हैं कि अब हम कभी आगे नहीं बढ़ेंगे कभी आगे नहीं बढ़ेंगे तो ये जो है ना हमने ये अनुभव किया है कुछ लोगों को जब पैसा आता है ना पैसा आता है तो उनको पैसा कमाने की और भूख पैदा होती है और पैसा और पैसा और पैसा और कुछ लोगों को जब पैसा आने लगता है ना तो उनका दिमाग शिथिल होने लगता है आलस आने लग जाता है घर वाले भी उनको सपोर्ट करते हैं घर वाले भी बोलते हैं रहन दो काम हो ही रहा है सब कुछ हो ही रहा है क्या करोगे जाके घर वाले भी सपोर्ट करते हैं लेकिन ये बिजनेस जो है ना ऐसा बिजनेस है आपको एक ही फार्मूले पे इसमें काम करना है कोई काम करे या ना करे मैं काम करूंगा किसी का पैसा आए चाहे नहीं आए आपका पैसा जरूर आएगा तो आप लोग आलस्यपुर में उतरेंगे उतरेंगे बधाई हो आप सभी लोग अमीरपुर पहुंच गए हैं अमीरपुर पहुंच गए हैं खुशी हो रही है अमीरपुर पहुंचने में ऊपर वाले दिखाओ जरा आज आप सभी लोग डायमंड सेलिब्रेशन से देखने आए हैं भरक भरोसा करो विश्वास करो आप लोग जानते हैं मैंने अभी बोला था ना कि आपके साथ क्या क्या होने वाला है यहां से आगे की कहानी भी बता देता हूं जब आप यहां से खासकर उन लोगों की बात मैं कर रहा हूं जो लोग अकेले डायमंड सेलिब्रेशन देखने आए हैं जो लोग अकेले डायमंड सेलिब्रेशन देखने आए हैं जानते हैं उनके साथ क्या होगा शाम तक तो आप अकेला पागल हो चुके होंगे पागल हो चुके होंगे शाम तक और जब आप घर जाएंगे ना तो अपने मम्मी पापा अपनी पत्नी जो भी है ना इतने जोश में बात कर रहे होंगे देखना अपने पास भी दो लाख सप्ताह आठ लाख महीना चार लाख सप्ताह सोलह लाख महीना कार होंगे बंगले होंगे गाड़ी होंगे अपना जीवन भी ऐसा होगा वैसा होगा तो कुछ लोग शाम को घर पहुंच जाएंगे कुछ लोग सुबह तो आपकी पत्नी खुद बोलेंगी सुबह तो अच्छे भले गए थे ये ये आज ही आज में इनको हो क्या गया ये तो बहकी बहकी बातें कर रहे हैं अरे मजाक थोड़े ना बहकी बहकी बातें कर रहे हैं डायमंड सेलिब्रेशन देख के जा रहा हो व्यक्ति डायमंड सेलिब्रेशन पागल नहीं होगा तो और क्या होगा लेकिन अकेले अकेले पागल हो रहा घर में उसकी बात कोई समझ नहीं रहा है लेकिन जो लोग यहां पर कपल में आए हैं ना वो तो पक्का दोनों पागल होके जाएंगे और कहा जाता है, है। पागल लोग ही इतिहास लिखते हैं पागल लोग ही इतिहास लिखते हैं पागल लोग इतिहास लिखते हैं तो कभी भी अगर अकेला देख लिया है डायमंड शिप मैडम तभी समझ में आएगी जब मैडम को आप डायमंड शिप दिखा दोगे या घर वाले तभी समझेंगे जब आप उनको भी डायमंड दिखा देंगे तो दोस्तों आप लोगों ने बहुत समय दिया मुझे और अगर एक बात भी समझ में आ जाए समझ लें जीवन में ढेर सारे परिवर्तन हो सकता है और आपने खासकर जब बिहार आता हूं तो पता नहीं बहक जाता हूं थोड़ा ये मिट्टी का असर है और आप लोगों का प्यार जिस तरह से आप लोगों ने प्यार दिया जिस तरह से प्यार दिया यकीन माने इतना बड़ा प्यार मैंने नहीं सोचा था जितना सम्मान आप लोगों ने दिया हमने तो सिर्फ़ इस उम्मीद से यहाँ पर इस बिज़नेस की शुरुआत किया था कि सिर्फ दस लोगों को ही यानी हम उनको समझा दिया और दुनिया में जो काम करने जाते हैं दिल्ली बॉम्बे कलकत्ता अगर मैं उनको रोक लिया तो यहीं से जीवन परिवर्तन हो जाएगा लेकिन आज देखो मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है और गर्व महसूस हो रहा कि आज मेरे 105 डायमंड कंप्लीट हैं 105 डायमंड जिनमें हमने अरविंद जी का नाम अभी नहीं जोड़ा है 50 से कम है उनका भी नहीं जोड़ा है बताए ना आपको एक सौ पांच है ऐसे बहुत सारे हैं जो सौ कम है डेढ़ सौ कम है लेकिन अभी एक सौ पांच डायमंड है मेरे और खुशी की बात बताते हुए बहुत खुशी हो रही है उनमें से सत्तर परसेंट डायमंड बिहार से हैं, सत्तर परसेंट डायमंड बिहार से है बिहार से यह बहुत खुशी की बात है सत्तर परसेंट डायमंड बिहार से हैं और आज अभी आप एचीवमेंट की बात करें तो देखें एक से एक अचीवमेंट आपके बिहार में भरे पड़े हैं आप देखें शुरुआत किया सतीश कुमार जी ने लग्जरी गाड़ी की शुरुआत किया खुशी की बात तो यह है कि छोटी वाली गाड़ी की भी शुरुआत सतीश कुमार जी ने अल्टो से किया था ल्टो से जब इन्होंने शुरुआत किया था तो उनको अल्टो यकीन नहीं हो रहा था आल्टो में रात भर यानी पूरी रात ये सोए नहीं थे उस अल्टो गाड़ी को देखते रहे क्योंकि इनको जीवन में यकीन नहीं हो रहा था कि ये गाड़ी मेरी है लेकिन कुछ समय बाद इन्होंने मेरे से बोला था कि सर आल्टो में चलने में अच्छा नहीं लग रहा है परिणाम छोटी गाड़ी भी इन्होंने ही लिया था फॉर्च्यूनर गाड़ी ने भी इन्होंने लेकर शुरुआत किया लग्जरी गाड़ी की अब लगता है इनकी गाड़ी तो बच्चा देने लगी है ढेर सारे और बच्चे जानते हैं बाप से ज्यादा होशियार होते हैं जी खतरनाक होते हैं वही हाल हम लोगों ने भी किया ऑडी लिया था तो वो बच्चा ही दे रही है ना और बच्चा ऐसे ऐसे कि देखो आज अविनाश कुमार जी जगवार एफ लेके बैठे हुए हैं अमरेंद्र कुमार जी रेंज रोवर लेके बैठे हुए हैं मुझे तो ऐसा लगता रेंज रोवर तीन है रेंज रोवर तीन है आपके बिहार में अजीत कुमार झाजी और बिपिन कुमार झाजी ये तीनों लोग रेंज रोवर से हैं मतलब जितना ऊपर गाड़ी जा रही है वो तो बढ़ते ही जा रहे हैं और अभी छोटा पैकेट बड़ा धमाका हुआ है अभी हमारे एकदम जोश मशीन जिनको कहें उनके बारे में तो लोग सोचते हैं इनकी आवाज कहां से निकल रही है लोगों को अंदाजा नहीं होता होगा कि आवाज इतनी तेज भी इनकी निकल सकती है ऐसा सब उनके बारे में सोचते हैं आज मुझे याद है वो दिन जब अजय पंडित जी समस्तीपुर आए थे ना और मैं अविनाश कुमार जी को बोला था कि बहुत ही दमदार और ख़तरनाक लीडर भेज रहा हूँ इन्होंने फूल वूल बुके वो के लेकर इनका स्वागत के लिए समस्तीपुर रेलवे स्टेशन पर खड़े थे और आज जब अजय पंडित जी को उतरते हुए देखा ना तो अनम्य ढंग से तो बुके दे दिया था और फिर साइड में मेरे से बोला था कि यार सत्यन जी सत्येंद्र तुमने बोला था बहुत ही खतरनाक और दमदार लीडर भेज रहा हूं ये पिद्दी से लड़का भेजा है और कह रहा है दमदार और खतरनाक लीडर है मैंने बोला ऐसा है ना पहले दो घंटे इनके साथ बैठ ले फिर बात करना और आप लोग समझ सकते हो कि अगर कोई भी व्यक्ति अजय जी के साथ दो घंटे बैठ जाए पागल नहीं तो और क्या होगा और आज बताते हुए बड़ा गर्व हो रहा है कि आज पूरे हिंदुस्तान में पूरे सेफ सोफ इंडस्ट्री में तहलका मचा कर रख दिया है तहलका मचा कर रख दिया है और वो एक ही शख्स हैं, उनका नाम है अजय कुमार पांडे जोरदार तालियों में स्वागत किया जा, जाए अजय कुमार पंडित और अजय जी लेके हैं इनको अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है अजय जी ने इधर अजय जी ने पूरे इंडस्ट्री में तहलका मचा कर रख दिया पूरे हिंदुस्तान में तहलका मचा कर रख दिया अभी लेटेस्ट में इन्होंने अभी एक गाड़ी खरीदा इन्होंने छोटी सी कौन सी गाड़ी खरीदा है पोर्स कंपनी के तरफ से अजय जी को ढेर सारी बधाई दिया गया पूरा हिंदुस्तान इनको बधाई दे रहे हैं और आज आप लोग एक जोरदार तालियों के साथ अजय जी को बधाई दे अजय जी को उठाओ जी ऐसे खानदान से हैं ऐसे खानदान से हैं सोच के देखो कहते हैं ना अमीर बनना बहुत बड़ी बात है लेकिन जवानी में अमीर बनना यह बहुत बड़ी बात है और आपको यह लाइव दिखा रहे हैं आपको बताया जाता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी पैसा मिलता है जनरेशन टू जनरेशन पैसा मिलता है ये बताया गया है ना देखो ये राकेश जी साथ में खड़े हैं जिनको नहीं पता है राकेश जी मेरे बेटे हैं और राकेश जी के पांच साल के बच्चे हैं तीन पीढ़ी यहीं पे है तीनों सुरक्षित है या नहीं है मैंने तो गरीबी भी देखा है इन्होंने थोड़ा बहुत देखा लेकिन जो जनरेशन थ्री जो है ना वो तो पक्का रईस रईस तो जब हमारे साथ ऐसा हो सकता है इनके साथ ऐसा हो सकता है तो विश्वास करें आज जो आपके अपलाइन के साथ हो रहा है ना वो कल आप सभी लोगों के साथ होगा सभी लोगों के साथ होगा सभी लोगों के साथ होगा चलो इन्हीं बातों के साथ आज मैं अपनी बातों को यहीं समाप्त करता हूं नमस्कार जय हिंद एंड ग